गठबंधन सब एक हो रहा, अखिलेश वगैरह राहुल सब एक हो गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब चोर संगठन है एक। हाँ। सब चोर संगठन एक हो करके कहो कि मोदी को हरा दें तो नामुमकिन है। हाँ। बिल्कुल, अपने हिसाब से कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन सरकार अच्छा काम कर रही है? मोदी किया है भाई। सही में? हाँ, अंदर से ऊपर से? अरे अब बता रहे हैं, मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने किया है। आप बताइए, लोकसभा की बैठक चल रही है। हाँ। हाँ? वहाँ आँख मारते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा बोलना चाहिए? हाँ? ऐसा करना चाहिए? पुरानी बात है आपने खुद। अरे अब टीवी पर जो देखते हैं वही हम जानते हैं। इस समय मैं ठाकुरगंज चौराहे पर हूँ अमेठी के, और यहाँ पर आप देखते हैं होटल है, यहाँ पर कुछ दादा लोग दिख गए, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे अमेठी की राय ली जाए कि अमेठी में इस बार माहौल किसका बनने वाला है। तो सबसे पहले दादा हम आप ही सवाल पूछते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरि गुलाम पाल। क्या लग रहा है इस बार अमेठी में दबदबा किसका रहने वाला है? बीजेपी का है भैया। बीजेपी का? जी हाँ। और ये राहुल गांधी जो लगातार यात्रा करके, इसका क्या फर्क पड़ा अमेठी? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी किस लिए? हर कार्य के लिए, उसके सारा पिता ने काम किया कि नहीं? आपने? हाँ, बहुत काम है, बहुत काम किया, बहुत काम किया। हाँ, लेकिन राहुल गांधी का घर माना जाता है ये? माना जा, लेकिन भाग गए पहले नहीं बेचारे, कहा गई है अभी यहाँ कुछ ना कह पाई है। अंदर से बोल रहे थे ऊपर? अंदर से नहीं, अंदर से बोल रहे हैं, दिल से। और भैया हमारा कोनो काहे बात है, बीजेपी का दबदबा रहेगा? जी हाँ। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर? यही है, इनकी बात मत करिए, अपनी बात बताइए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हाँ। बीजेपी का माहौल रहेगा। हाँ। और बीजेपी राष्ट्र हित में काम करती है। हाँ। देश हित में काम करती है, बाकी पार्टी कोई हित में नहीं काम करती ना, ना। हाँ। राहुल गांधी यहाँ कुछ नहीं किए, बहुत कुछ किए हैं उनके भाई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जब थी। हाँ। तो यहाँ इंडो गल्फ में कुछ प्रोग्राम किया था। अभी यात्रा उत्तरा लेके आती, बड़ी चर्चा रही। यात्रा वात्रा नहीं, वो ऐसा बोलते हैं। हाँ। कि जनता उनसे खिलाफ हो जाती। क्या बोल दिया दादा, बताओ? अच्छा। हाँ? क्या बोलते हैं अब? जैसे कल ही कमेंट किया था। हाँ। कि यहाँ अमेठी और बनारस के लोग शराब पी करके डांस करते हैं। हाँ। युवा वर्ग। हाँ। बताइए, ऐसा बोलना चाहिए एक सांसद हो करके? हाँ। ऐसी बात करनी चाहिए? कौन बोला? राहुल गांधी। सही में दादा? जी हाँ। कहाँ पे सुने? हम केवी में सुने सर। अच्छा, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक सांसद हो करके। हाँ। गरिमा गंभीर होना चाहिए। हाँ। वो गंभीरता उनके अंदर दिखाई नहीं देती। अरे 50+ हो गए, गंभीरता होनी चाहिए। हाँ, गंभीरता होनी चाहिए। हाँ। आप बताइए, लोकसभा की बैठक चल रही है। हाँ। हाँ? वहाँ आँख मारते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा बोलना चाहिए? हाँ? ऐसा करना चाहिए? पुरानी बात है आपने खुद। अरे अब टीवी पर जो देखते हैं वही हम जानते हैं। अच्छा। हाँ? अब बताइए आप। हाँ। हाँ। अमेठी के रहने वाले हैं? हाँ, हम अमेठी के रहने वाले हैं। हाँ। शुक्र बाजार अस्थाई निवासी हैं। हाँ। और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या चाहती है अमेठी जनता, क्या चाहती है? अमेठी की जनता यही चाहती है कि भाई रोड निर्माण वगैरह सब बढ़िया रहे, रोडें दुरुस्त रहे। हाँ, तो है कि नहीं है? बढ़िया है। अच्छा। एक हमारी इनौना रोड थोड़ा खराब है, इनौना से लेके रिजघाट तक, रिजघाट तक वो बेकार है। हाँ। अब उसके लिए कोई सुन लिया तो बढ़िया है। हाँ। अब नहीं तो, अब नहीं सुने और चाहे नहीं सुने, रहेगी बीजेपी सरकार। अब दादा जैसे कहेंगे, दादा की बात छोड़ो, आप युवा हो, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? भाजपा भैया। अच्छा। हाँ, भाजपा। अरे महंगाई बहुत है। महंगाई देखिए, पीरियड के अनुसार। हाँ। महंगाई कुछ नहीं है। अच्छा। सभी जनता खुश है। खुश हैं आप? हाँ, महंगाई का असर नहीं आप पर? महंगाई का कोई असर नहीं। कांग्रेसी ये कहते हैं कि यहाँ दीदी आती रहे, कहते हैं 13 रुपए में चीनी मिली और सस्ता सिलेंडर मिली। अब बताइए कि राहुल गांधी यहाँ सरेंडर कर चुके। हाँ, सरेंडर कर चुके, सरेंडर कर ही चुके। अच्छा। जब यहाँ के मान लीजिए वो यहाँ रहते थे। हाँ। यहाँ का चुनाव लड़ते थे। हाँ। वो छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। तब वो यहाँ आएंगे? हमको लग रहा सीधा आएंगे तो हारेंगे, फिर हारेंगे। आप तो वो वाली बात बता रहे हो कि एकदम सीधी बात बता रहे हो। हाँ हाँ, वो हारेंगे। अच्छा। हाँ, बीजेपी प्लस में जाएगी। बीजेपी प्लस में जाएगी? जी हाँ। अच्छा, लेकिन दादा हम जैसे घूमित है। हाँ। तो लोग कहते हैं राहुल गांधी यहाँ है तो इसकी तरह हरा दे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ना, ऐसा नहीं है। आप बीजेपी समर्पित हो? आप खुद जी, आप
खुद क्या चाहते हो? नहीं हम तो राय ले रहे हैं। नहीं ठीक है, हम तो राय लेते हैं। अरे आप भी हमारे जैसे व्यक्ति है, हाँ। जवान है, नवयुवक, आप क्या चाहते हैं? आप सही अपने दिल से बताएं। हम तो जो राष्ट्रहित में जो काम करे तो बस वह ठीक है। हमारा आपका राय एक है। अच्छा, अरे सारी बात एक है, वाह रे वाह। क्यों बदल जाएंगे? क्यों बदल जाएंगे? अरे कल कल राहुल गांधी आ जाए आपसे हेलो हाय करें, मुलाकात करें, दादा कहें नहीं अब आप साथे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पैसा लेकर के वोट थोड़े करते हैं। हाँ। जिसकी भावना जैसी रहती है वो वैसा वोट करता है। लेकिन दादा उनका घर आया रहा राहुल गांधी का, आप लोग उनका हरा दी हुई है। घर छोड़ करके क्यों चले गए वो? अरे जब हरा दो चले गए। हम कहते हैं अखाड़े में दो पहलवान उतरते हैं। एक बार हार गया हाँ। तो उस वो छोड़ दे पहलवान। गठबंधन सब एक हो रहा, अखिलेश वगैरह राहुल सब एक हो गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब चोर संगठन है एक हाँ। सब चोर संगठन हाँ। एक हो करके कहो कि मोदी को हरा दें हाँ। तो नामुमकिन है हाँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा कोई दूसरा चेहरा अगर आ जाए यहाँ तो कोई भी आए हाँ। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी जी हाँ। योगी राज है, योगी राज है, योगी राज है जी। यहाँ योगी राज है, उसके बाद में यहाँ जो है प्रशासन बहुत टाइट रहता है हाँ। और जो है यहाँ की गलियाँ एक 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 भी गलियाँ सब विकसित हो गई हैं हाँ। और बीजेपी यहाँ से सनातन धर्म से जुड़ी हुई है हाँ। क्या लग रहा माहौल? माहौल ठीक है और क्या। किसका माहौल बन रहा है यहाँ? मोदी का। मोदी का हाँ। सबका देख के ना बोलो, हमका देख के बोलो। नहीं तुम्ही को देख रहे हैं यार, मोदी को देंगे, मोदी को देंगे। और पहले में दो बार राशन पाते थे हाँ। यहाँ पर हाँ। और कांग्रेस सरकार ने किया। दादा आपसे बात करेंगे हम, दो मिनट रुक जाइए दादा। आप मतलब कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं जवाहरपुर के हैं। किसका माहौल है इस बार दादा? यहाँ चुनाव माहौल की दबदबा किसका हुए वाला है? दबदबा कहाँ है? अब जिसको आप लोग चाहेंगे। हम कहाँ चाह रहे हैं, हम तो पूछे आए ना आपसे। सब लोग जिसको देंगे उसको। आपके हिसाब से कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन सरकार अच्छा काम कर रही है? मोदी किया है भाई। सही में है? हाँ, अंदर से ऊपर से। अरे अब बता रहे हैं मोदी सरकार ने किया है। मोदी गया भाई, राहुल गांधी जो यात्रा लेके आए, उनका घर है अमेठी, बता रहे हैं जनता इस बार धोखा नहीं देगी उनको। भाई उसके बारे में हम क्या बताएं जनता के बारे में, हम अपना विचार बता रहे हैं, आप जैसे सुन रहे हैं वैसे बता रहे हैं। नहीं अपनी बात बताओ, सुनो ना। बता तो रहे हैं मोदी की सरकार है। क्या किया मोदी ने आप लोगों के लिए? अरे हम लोगों ने उनके लिए आवास दिया है हाँ। और इधर जो सड़कें भी निर्माण करा दिया काफी।